जी सीन कुछ ऐसे हैं। ये राजी पकड़ लिया, सही मारा है जी इस मुर्गी ने। अल्लाहु अकबर। दिल से दुआ है मेरी, नसीब खुल जाए अभी, काबा का हो दीदार अभी मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए हुए हैं, हम जान आ रहे हैं बैर से, दुबई से, तो उनको अटेंड करने आए हुए हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ देर के बाद उनकी फ़्लाइट आने वाली है। ये जी जनाब खड़े हैं, इनके वाले साहब हैं और मेरे मामू हैं। तो जी सीन कुछ ऐसे हैं, ये चेक करें वहाँ नीचे आप, इंटरनेशनल है इसलिए ज़्यादा रश है। ये जी पूरा एयरपोर्ट है। जी अमर को भेजा, जूस लेके आ रहे वो। तो जी रात 2 बजे के निकले हैं और अभी सुबह के तकरीबन हो गए हैं, 8 होने वाले हैं। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, कुछ नहीं खाया पिया, अभी बस लेस लिया और जूस लिया। जूस ले आया जी अमर। अमर खुश हो, वाले साहब आ रहे हैं आप जी। तकरीबन साल होने वाले तकरीबन जी 2 साल होने वाले हैं। गैप भी इन्हीं के लिए है, ज़ाहिर सी बात है, कौन सा वालिद अपने बच्चों की परवरिश सही नहीं करना चाहता। इन्हीं के लिए बैठ गए हैं कमा के, इन्हीं के लिए भेज रहे हैं। A few hours later. ये चेक करें जी, कवे का बच्चा ऊपर बैठे हैं। ये बच्चा उड़ के नीचे आया। ये जी घोंसले में से नीचे आया हुआ है, उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा। ये राजी ये बैठा हुआ, मुर्गियों ने जी इसे मार ही देना है अगर इसके पीछे पड़ गई ना। ये राजी पकड़ लिया, सही मारा है जी इस मुर्गी ने, अभी इसका मुंह खुल गया। इसे जी ऊपर छोड़ देते हैं, मुर्गियाँ वगैरह ना मारे इसे, ये इधर छोड़ देते हैं, यहाँ से खुद ही चला जाएगा। सही शोर डाला हुआ जी, तंग किया हुआ है मुर्गियों ने जी, सही मारा। मैंने वीडियो उस वक्त नहीं बनाई, पकड़ा था इसे। कोई ना जी कोई नया सीन लोग होता है। तो भूखे उधर से उड़ाई थी दरख्त से, इधर आके बैठ गई हैं। ये देख इधर बनाया हुआ है इन्होंने अपना छत्ता। अभी तो अभी स्प्रे मारते हैं इनको, यहाँ से भगाते हैं। ऐसे ना बच्चों वगैरह को काट लेना, बड़े आदमी को भी काट सकती हैं, बच्चों को भी। तो स्प्रे मारते हैं। तो जी मैं जल्दी से बाग के अंदर आ गया हूँ, बिल्कुल अचानक ही आई हैं यार, एकदम स्प्रे मारा है ना ये कोबरा वाला, जहाँ एकदम से बाग के अंदर आई हैं हर चीज़ ढकना वगैरह। मैं वहीं छोड़ के आ गया हूँ, मैंने भागने वाली की है। अब देखें वो जगह खाली हो गई है, ये देखें अब ये जगह खाली हो गई है, सिर्फ ये छत्ता खड़ा है इनका। दराख से उड़ाई हैं इधर से, ये चेक करें, ये पड़ी हुई हैं, जली हुई पड़ी हैं सारी, तंग करके रखा हुआ था इन्होंने। और इतनी जल्दी जी इन्होंने फिर से वहाँ बना लिया छत्ता, हालांकि सुबह उड़ाई हैं और फिर वहाँ छत्ता बना लिया। तो जी एकदम से सारी इस तरह इकट्ठी ऊपर आई हैं मुंह पे, मैं तो भाग आया हूँ जल्दी जल्दी से। अब यहाँ भी एक खड़ा है, वो ऊपर देखें ये वाला, यहाँ भी एक खड़ा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो इन्हें भगाएंगे सबको, ऐसे ना छोटे बच्चे आते रहते हैं, घर ऐजल भी है तो उसको भी काट सकते हैं। स्प्रे जी मैं ले आया हूँ, इन पे भी थोड़ा सा मार देते हैं। आवाज़ से जी नहीं जा रहा, आवाज़ से सारा स्प्रे उधर चला गया। इसको ना आग लगा के इसको नीचे गिराएंगे। तो जी घर हम आ गए थे खैर खैरियत से, तकरीबन 1 बजे के करीब हम घर पहुँच गए थे, लेकिन नींद पूरी नहीं हो सकी। घर आए तो लाइट ख़राब हो गई थी घर की, लाइट सही किया तो तकरीबन असर किया जाने हो गई थी।
उसके बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ी। अभी आपके सामने बैठे हैं, थकावट इतनी है, यकीन माने अभी भी दिल ऐसा कहता है कि सो जाऊं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। साकिब नियाज़ी आउट।